पानी पानी पिलाओ ना, बड़ी गर्मी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिकचर समाचार से। गर्मी के इस मौसम में अगर आपको ठंडा पानी मिल जाए, उससे कहीं आपको ठंडा पानी लगा हुआ मिल जाए, तो थोड़ी सी आप राहत की सांस जरूर लेंगे, क्योंकि इस समय जो गर्मी हो रही है, एक तरह से हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, और टेम्परेचर जो है वो 45-46 तक पहुंच गया है। इतनी ज्यादा गर्मी है, बाहर काम करना, जो लोग बाहर काम कर रहे होंगे इस समय धूप में, तो वो जान रहे होंगे कि कितना मुश्किल है। कईयों को हीट स्ट्रोक हो रहा है, कहीं बीमार पड़ रहे हैं, तो कहीं कुछ हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है काम करना। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग आजकल इनिशिएटिव ले रहे हैं, शवील लगा रहे हैं और लोगों को ठंडा पानी मिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो बस स्टैंड की तरफ से, बस स्टैंड के जो दुकानदार हैं, उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है लोगों को पानी पिलाने का। तो यहाँ पर लोगों को बस स्टैंड के बाहर, एक बार थोड़ा सा आपको घुमाकर इस तरफ की तस्वीरें दिखाओ, ये ऊपर दिखाओ, ये बस स्टैंड, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने एक शिविर लगाई गई है बस स्टैंड के दुकानदारों की तरफ से, बस स्टैंड के दुकानदारों की तरफ से, और लोगों को ठंडा पानी पिलाया जा रहा है, मीठा पानी पिलाया जा रहा है, और लोगों को राहत मिल रही है। और जो लोग पानी पिला रहे हैं उनके चेहरे में भी खुशी है, प्रसन्नता है। सुबह से ही शायद ये लगे हैं, और इस गर्मी के मौसम में इतना पुण्य का काम अगर कोई करे तो हमें लगता है कि काफी अच्छा है। और लोग देखें, यहाँ बॉटलें लेकर आ रहे हैं, ये देखो बॉटलें लेकर आ रहे हैं, वहां वहां अरुण दिखाओ, जग जग लेकर आ रहे हैं, कोई डिब्बे लेके आ रहे हैं, कोई कुछ करके आ रहे हैं, ताकि ठंडा पानी जो है उनको भी मिले, मीठा पानी उनको भी मिले, और एक राहत की सांस वो भी लें। क्योंकि जितना ज्यादा आप इस मौसम में पानी पिएंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का खतरा है, और लोग जो है वो इस बात का ध्यान रख भी रहे हैं। ये हमारे साथ संजीव दुबे जी हैं, संजीव दुबे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। संजीव दुबे जी, क्या क्या क्या, क्या कहेंगे? ये एक्चुअली यहाँ पे ट्यूबवेल बस स्टैंड में खराब हो चुका है, कोई कल एक दो दिन से ट्यूबवेल खराब हो गया, तो उसके कारण बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो हमने भी शिविर के लिए अपना किया था कि लड़कों ने मिलके कि चलो शिविर लगाएंगे, तो फिर इधर भी यहाँ पे हमारे रोमी जी हैं, तो इन्होंने सामान मंगवाया था, ये भी सुबह लगा रहे थे, तो मैंने बोला कि एक ही जगह हम दोनों लोग लगाएंगे। कहाँ के रोमी जी? ये दुकानदार है हमारे, अभी कहीं गए हो। तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई हम दोनों इकट्ठा ही कर लेते हैं, क्योंकि पानी की खपत तो इस टाइम वैसे ही बड़ी है। तो वैसे खैर 12-12:30 बजे स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है, तो फिर हमने मिलकर कर लिया सभी दुकानदारों ने। मैंने कहा 2 बजे जगह लगाएंगे, इसलिए क्योंकि ट्यूबवेल खराब है, उसकी वजह से क्या बस स्टैंड के लोगों को, यात्रियों को बड़ी दिक्कत आ रही है। तो लोगों का कैसा रिएक्शन है, लोगों को गर्मी की से कोई है परेशानी? जी बिल्कुल, बड़ी गर्मी है और लोग पानी की वजह से बड़े तड़फ रहे थे बस स्टैंड, क्योंकि ट्यूबवेल खराब होने की, ट्यूबवेल की वजह से काफी लोग, दुकानदार जितने भी हैं, लोगों देखो पानी तो सबने पीना है, तो उसके कारण मतलब काफी मुश्किल हो गई एक दो दिन से। तो इसी वजह से हमने प्रोग्राम बनाया था कि चलो ये हम मिलजुल कर पानी का करते हैं। तो इसने हमारे दुकानदार भाई हमारे साथ हुए, सब मिलजुल के, तो लेकिन ये है कि आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कनेक्शन एक दो है पानी का, तो यहाँ पे 3-4 नलके को लगने चाहिए, 2-3 नलके, क्योंकि उनकी काफी लोगों को सुविधा है उसकी। अगर 2 नलके और लग जाते हैं, कनेक्शन लगते हैं, तो फ्रिज के बारे में हम वैसे भी कमिश्नर साहब से मिलने गए थे, तो हम उसके लिए भी थोड़ा कर रहे हैं, वहां पे फ्रिज भी 1-2 लगवाएंगे बस स्टैंड के अंदर, और ये पानी का कनेक्शन भी लेंगे, क्योंकि पानी की बड़ी मुश्किल है बस स्टैंड में। और आप देख रहे हो ये यात्री गण आ रहे हैं, गाड़ियां मेटाडोर ये सारी उतर रही हैं, तो ये लगभग एकदम से 3-3, 4-4 गाड़ी इकट्ठी आती है, अब 25-25 बंदे एक गाड़ी में होते हैं, तो जब 100 बंदा एट ए टाइम, आप देख रहे हो रश कितना जल्दी फटाफट मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब इससे पता चल जाता है कि पानी की खपत कितनी है यहाँ पे। तो मतलब कि अभी हम सोच रहे हैं, अभी 3-4 ड्रम भरे हुए हैं, तो हमने पानी की दिक्कत तो नहीं आती है, कोई म्युनिसिपैलिटी वाले दे रहे हैं पानी? नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा हमारा भी था, वो कहते हैं कि एक दिन पहले सुनाना पड़ता है, तो वो हमें थोड़ा ध्यान नहीं रहा, उसकी वजह से फिर आज हमने मतलब किया एट ए टाइम, तो हमें मिला नहीं, लेकिन खैर हमने बाहर से टैंक मंगवाया पीएचसी दफ्तर से, पीएचसी से मिल गया। जी जी, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, मैं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप शिविर लगा रहे हो, पानी की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर कूलर, बस स्टैंड में 1-2 कनेक्शन की जरूरत है, और फ्रिज लगने चाहिए 2-3, और ये कनेक्शन अपने नलके के लगने चाहिए,
ये बड़ी दिक्कत, ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर फ्रिज ही नहीं है, ट्यूबवेल खराब हो गया है। और इस ये जो ओल्ड बस स्टैंड है यहाँ आप गंदगी देखेंगे तो हैरानगी होती है। जेडीए जेडीए की ये बिल्डिंग है और जेडीए वाले क्या ध्यान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी है, ट्यूबवेल खराब है, पानी बंद है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है। और अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू के ही लोग यहाँ घूम रहे हैं, बाहर बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। वो आके देखते हैं, देखो बस स्टैंड जो है कितना खूबसूरत है, यहाँ बस स्टैंड बनाया हुआ है, वहां पर लगाए हुए हैं फ्रिज, एक हाथ चल रहा है, बाकी वाले खराब हैं, वो भी हमने आपको तस्वीरें बताई थी। उसके बाद शायद उन्हें ठीक करने का भी प्रयास किया गया। यहाँ नालियों में इतनी ज्यादा गंदगी है कि किसी को ये ध्यान ही नहीं है कि यहाँ पर लोग बीमार पड़ सकते हैं, उनको कोई परेशानी हो सकती, कोई ध्यान नहीं है, ना ही पानी के निकासी का कोई सलूशन है, ऊपर से फ्रिज भी नहीं है। कुछ फ्रिज यहाँ पर लगने चाहिए, जैसे दुबे साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिज लगने चाहिए, तो फ्रिज लगने चाहिए ताकि ये परेशानियां जो हैं वो लोगों को ना आए। बाहरी राज्यों से आते हैं तो एक इमेज भी जम्मू की जो मंदिरों के शहर की बाहर अच्छे से जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और इस गर्मी के मौसम में आप भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बिना कारण के घर से ना निकलें, कोई काम हो, बहुत जरूरी काम हो तब घर से निकलें, साथ में पानी वगैरह जरूर अपने कैरी करें, जितना ज्यादा पानी हो सकता है उतना पिएं, डिहाइड्रेशन होने के खतरे हैं तो उनसे बचे, ही स्ट्रोक हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, बीमार पड़ सकते हैं आप, तो बिना काम के बाहर नहीं निकलना है। निकलना है तो साथ में पानी जरूर कैरी करनी है, इस तरह की व्यवस्था करनी है, खाली पेट भी नहीं निकलना है, कुछ ना कुछ खा लेना है ताकि आप बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहेंगे तो ही आप अच्छा कामकाज कर सकते हैं। इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें, देखते रहें दैनिक भास्कर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत, नमस्कार।